खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सारिका। बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजेस की। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा किया जा रहा है, जालसाज डेबिट कार्ड ब्लॉक करने वाला मैसेज भेजकर आपको चूना लगा सकते हैं। अब क्या है इस वायरल मैसेज की असलियत? आपके डेबिट कार्ड पर है धोखेबाजों की नजर। क्या एटीएम से बैंक खाते में धोखाधड़ी मुमकिन है? क्या एटीएम से किसी की गाढ़ी कमाई को दूसरा निकाल सकता है? चौंकिए मत, बस ध्यान से इस मैसेज का मजमून देखिए। ये कोई मामूली मैसेज नहीं, बल्कि वो मसौदा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि डेबिट एटीएम कार्ड ब्लॉक होने के बाद बैंक की तरफ से अलर्ट मैसेज आया है। इसमें बकायदा एक नंबर भी दिया गया। मैसेज में निर्देश है कि गड़बड़ी की आशंका की वजह से आपका डेबिट एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज में जो दिया गया है क्या वो सच है या नहीं है। इस मैसेज में जो लिखा है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस मैसेज में लिखा है, डियर कस्टमर, योर एटीएम डेबिट कार्ड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू फ्रॉड यूसेज, कॉल दिस एंड दिस नंबर और इमीडिएट टू अनब्लॉक। ये मैसेज क्या बताता है ये जानने की कोशिश करेंगे, इस मैसेज की पूरी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है आपके साथ। नोटिस का पूरा मजमून अंग्रेजी में है, आपकी सुविधा के लिए हम आपको ये पूरा नोटिस पढ़कर सुनाते हैं। एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोहों के द्वारा इस प्रकार के नए मैसेज भेजे जा रहे हैं। कृपया लोगों को इस संबंध में जागरूक करें तथा इस प्रकार के मैसेज पर कोई रिप्लाई न करें। आजकल सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब शेयर और लाइक कर रहे हैं। वायरल मैसेज जिसके पास भी पहुंच रहा है वो इस पर कमेंट करने से परहेज नहीं कर रहा। लोग एक दूसरे को एटीएम में और इस तरह के मैसेज आने पर सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर घूमता हुआ जब ये वायरल मैसेज हम तक पहुंचा तो हमने इसका सच जानने का आगाज किया। पड़ताल के पहले दौर में हमने वायरल मैसेज में दिए गए नंबर की हकीकत जानने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैसेज में दिया गया नंबर सही पाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज सही है। ये नंबर है 8039 74। हमने इस नंबर को डायल करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या ये नंबर मिलता है और कहाँ का ये नंबर है, इसलिए हमने ट्रू कॉलर की भी मदद ली। अब देखिए ये नंबर मैं मिला रहा हूँ, लेकिन नंबर से एक रिंग होने के बाद ये नंबर बंद हो जाता है, अचानक कट जाता है और इसके बाद हमने इसकी पड़ताल आगे की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये नंबर कहाँ का है। अगर आप इस तरह के नंबर ट्रू कॉलर पर डालते हैं तो कम से कम ये पता चल जाता है कि नंबर कहाँ का है। जब हमने इसको डायल किया तो यहाँ पर एक बैंक लिख करके आ रहा है, यानी इस नंबर के सामने बैंक लिख करके आ रहा है, इसलिए ये तफ्तीश करने वाली बात है कि आखिर ये नंबर किसका है और किसके नाम से लिया गया है और कौन है जो आपको इस तरह के मैसेज भेज करके ऐसी बात कर रहा है, यानी आपके एटीएम को अनब्लॉक करने की बात कर रहा है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज को लेकर काफी कुछ साफ होता जा रहा था। वायरल मैसेज में दिया गया नंबर फर्जी निकला। पड़ताल के दूसरे दौर में हमने बैंकिंग एक्सपर्ट से संपर्क किया। हमने उनसे इस तरह के वायरल मैसेज को लेकर सवाल पूछे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम देने से कोई मैसेज जो है वैलिड नहीं हो जाता। बहुत सारे मेल ऐसे आते हैं जो कि आरबीआई का नाम दिया जाता है कि आरबीआई की तरफ से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है कि हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें फ्रॉड हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, बहुत दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। हर एक उपभोक्ता को सबसे पहले ये जाँच करना चाहिए कि वो मैसेज, अगर SBI ऐसे मैसेज करेगा तो उसका कम से कम कोई नंबर होगा, उसको कॉल करके पूछा जा सकता है कि भी आप कुछ ऐसा सुविधा लेके आए हैं या नहीं। और उसके नोटिफिकेशंस होते हैं, अखबारों में आता है, वो बकायदा उनके वेबसाइट पे होता है जो भी नोटिफिकेशन है। बैंकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह के मैसेज की कोई अहमियत नहीं, बैंकों की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा जाता। हाँ, ट्रांजेक्शन की जानकारी के लिए मैसेज भेजे जाते हैं। डेबिट कार्ड के ब्लॉक होने पर इस तरह के मैसेज भेजने का प्रावधान नहीं है, तो फिर वायरल हो रहे मैसेज की हकीकत क्या है?
बेसिक ऑब्जेक्टिव तो डेटा कलेक्ट करना होता है, आपका डेटा जो जो आपके कुछ सीक्रेट पासवर्ड्स हैं या आपका जो सीक्रेट आईडी है उसका वो पता लगा के फिर उसमें फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो और ख़ासकर जो जो लोग बेचारे जिनका अभी कुछ अकाउंट खुला है, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है या फिर बैंकों से कुछ और उम्मीद लगा के बैठे होते हैं तो वो बहुत गुमराह होते हैं। हमारी अब तक की पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज की हकीकत साफ हो चुकी थी, लेकिन अब भी हमें एक आधिकारिक बयान की ज़रूरत थी। इसके लिए हमने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन से संपर्क किया। हमने देखा है कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे या अदरवाइज कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आप इस नंबर पे डायल करो। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमको अगर ऐसा कोई मैसेज अगर कोई व्हाट्सएप पे अगर आता है तो सबसे पहले हमें बैंक की वेबसाइट पे जाकर के देखना है और दूसरा बैंक में जाकर के हमें पता करना है, क्योंकि बैंक हमेशा उसके लिए नोटिफाई करता है कि इस तरह का कुछ अगर है तो। लेकिन ये इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पे ये रिलायबल नहीं होते हैं। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है जो भी कस्टमर्स हैं कि अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है एटीएम को लेकर के अगर ब्लॉक हो गया है तो वो नंबर यूज़ करने की बजाय जो है वो उसको बैंक में जाएं, बैंक से बात करें, बैंक की वेबसाइट पर जाकर के देखें कि बैंक ने ऐसा कोई वार्निंग तो नहीं दिया है या ऐसा कोई नंबर सजेस्ट तो नहीं किया है। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि वायरल मैसेज गलत है, झूठ है। जाँच के दौरान हमें जानकारों ने ये भी बताया कि इस तरह के मैसेज और फ़ोन आने पर अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात खबरों के पंचनामा में अंगूठे की। क्यों अंगूठा आज पहचान की निशानी बना है, वो भी आज के वक्त में? शिनाख्त का दस्तावेज ये बन गया है आज के वक्त में। जमीन की रजिस्ट्री करानी हो, आधार कार्ड एनरोलमेंट कराना हो, अंगूठे का निशान क्या हर जगह जरूरी है? अंगूठा लगाओ और राशन पाओ। अंगूठा लगाओ, हाजिरी बनाओ। डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं, अब अंगूठा लगाकर करें पेमेंट। डिजिटल लेन देन या रिटर्न, अंगूठा करेगा काम। 21वीं सदी में अंगूठा बन गया पहचान का निशान। पहले कहा जाता था कि अंगूठे का निशान अनपढ़ लगाते हैं, हो सकता है कि इस बात में कुछ वजन हो, लेकिन आज तो हालात इसके उलट हैं। अब सबके लिए अंगूठे का निशान जरूरी हो गया है। अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, अमीर हो या गरीब हो, अंगूठे का निशान हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। उसकी पहचान का दस्तावेज बन गया है। आखिर अंगूठे को इतनी अहमियत क्यों? आखिर क्यों हाथ की पांच उंगलियों में अंगूठा ही खास है? आखिर क्यों बाएं हाथ के अंगूठे का ही लिया जाता है निशान? क्या है बाएं और दाएं हाथ के अंगूठे की खासियत? हमने अंगूठे की अहमियत जानने के लिए अपनी पड़ताल का आगाज किया। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट निशा मेनन से इस पर सवाल पूछा। किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन जो है इसको लेना आसान है, इसको स्टोर करना आसान है और कोई भी आम आदमी इसको किसी भी डॉक्यूमेंट पे हुआ ले सकता है। इसके लिए कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक इंसान के पहचान के लिए। एक्सपर्ट ने हमें अंगूठे और उंगलियों के निशान की अहमियत समझा दी है। एक्सपर्ट के अनुसार किसी एक शख्स की उंगलियों के निशान दुनिया में किसी दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट अकेले हैं, अपनी तरह के एक है। इंसान की पैदाइश से उसकी मौत तक उंगलियों के निशान कुदरती तौर पर कभी नहीं बदलते। ऐसे में हमारे सामने एक सवाल उभरा कि आखिर क्यों शिनाख्त और पहचान के लिए सिर्फ अंगूठे का ही इस्तेमाल किया जाता है? हथेली की बाकी चार उंगलियों के निशान आखिर क्यों नहीं लिए जाते हैं? इस सवाल के जवाब की तलाश में हमने इंटरनेट का रुख किया। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि भारत में उंगलियों के निशान की परंपरा का जिक्र 5000 साल पहले लिखे गए समुद्र शास्त्र में मिलता है। भारत में वैज्ञानिक आधार पर उंगलियों के निशान के अध्ययन का श्रेय सर विलियम हर्शल को जाता है। 1853 में बंगाल के जुंगीपुर में हर्शल की पोस्टिंग हुई। जुंगीपुर में सड़क बनाने के लिए कंपनी और लोकल कॉन्ट्रैक्टर राजथर कोनाई के बीच करार होना था। इस करार के लिए पहली बार हर्शल ने कोनाई को दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का निशान कागज पर देने के लिए कहा। इसके बाद हर्शल की पोस्टिंग हुगली में बतौर जिला मजिस्ट्रेट हो गई, जहां उन्होंने अदालत, जेल, करारनामा के कागजात, इन सब से लेकर पेंशन ऑफिस के कामकाज के लिए पहली बार उंगलियों के निशान को जरूरी कर दिया। सबसे पहले जेल में बंद कैदियों की उंगलियों के निशान का रिकॉर्ड बनाया गया ताकि उनकी पहचान का रिकॉर्ड रखा जा सके।
आपके अंगूठे का निशान या आपके उंगली का निशान दुनिया में किसी और अंगुली के निशान से नहीं मैच करेगा। और ये एक बार बच्चा वूम में होता है, 4 महीने का हो जाता है, तब से बनना चालू हो जाता है और इंसान के मरने तक वो अंगूठे का निशान या किसी भी अंगुली का निशान वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन हमें इस बात का जवाब अब भी नहीं मिला था कि आखिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान ही क्यों जरूरी है, दस्तावेजों पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान ही क्यों लिया जाता है। इस सवाल के जवाब के लिए हमने फिर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का रुख किया। देखिए, बाएं हाथ का या दाएं हाथ का अंगूठे का निशान ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना है, ये हमारी सुविधा के लिए बनाया है। जो मेल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और फीमेल्स जो है वो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन देख के किसी को पता चल जाता है या एक एक्सपर्ट को पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो सुविधा के लिए बनाया गया है, जो कि धीरे धीरे एक कल्चर हो गया और सब जगह फॉलो होता है। एक्सपर्ट के जवाब से साफ हो गया कि हाथ की 5 उंगलियों की अहमियत बराबर है। यही वजह है कि आधार पंजीकरण के लिए हाथ की 10 उंगलियों की स्कैनिंग की जाती है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी हमारे जहन में मौजूद था और वो ये सवाल कि आज तकनीक के युग में भी थंब इम्प्रेशन क्यों जरूरी है। आज कई तरह के आधुनिक गैजेट्स मौजूद हैं जिनके जरिए आँखों की पुतलियों तक के निशान लिए जा सकते हैं, DNA सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, फिर अंगूठे का ही निशान क्यों। अंगूठे के निशान के साथ में आजकल बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे रेटिना स्कैन बोलो, बायोमेट्रिक में इवन वॉइस आइडेंटिफिकेशन भी होता है, ऑडियोग्राम्स होते हैं। लेकिन वो जितने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से उतने ही एडवांस और सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको राइट फ्रॉम लेने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको डिजिटल कन्वर्जन, आइडेंटिफिकेशन, step 1 से लेके जितने स्टेप ऑफ आइडेंटिफिकेशन है बहुत सोफेस्टिकेटेड है और थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली कम भी है और कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़े से महंगे भी है। अंगूठे का निशान सबसे पुराना और सबसे ही सस्ता आइडेंटिफिकेशन या पहचान का एक तरीका है, जिसमें एक सिंपल इंक से किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप ले सकते हैं। ये थी पहचान का निशान बने अंगूठे की कहानी। अब आप जब किसी शख्स को दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लगाते देखें तो हैरान ना हो, वो अनपढ़ ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शिनाख्त का निशान बना अंगूठा अब अमीर गरीब, अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं देखता। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पैन में जिस तरह से डोसा बनता है या फिर पैन केक बनता है, क्या उस तरह से पेंटिंग भी बनाई जा सकती है? गर्मा गर्म फ्राइंग पैन का इस्तेमाल आखिर किस तरह से पेंटिंग में किया जा सकता है? किचन में इस्तेमाल होने वाला सामान आखिर किस तरह से कलम और कूची की तरह कला के रंग बिखेर सकता है? गर्म पैन को कैसे बनाया जा सकता है कैनवास? पैन पर अपनी कल्पना उकेरता शेफ, आग के जरिए बनती शानदार पेंटिंग, पैन पर बनाई जा रही पेंटिंग का सच क्या है? बावर्ची खाने में बनी इस तस्वीर की हकीकत क्या है? रसोई में बनाई जा रही इस डोसा पेंटिंग का सच क्या है? कौन है पैन पर रहस्यमय घोल से आकृतियां रचने वाला पिकासो? पैन पर तेजी से आड़ी तिरछी रेखाओं से आकृति बनाने की कोशिश, तस्ते पर सफेद घोल बिखेरता ये शख्स, गर्म पैन पर घोल का बदलता रंग, 32 सेकंड के इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स पैन पर मची धमाचौकड़ी का अंजाम देखना चाहता है। ये वीडियो जब आखिर में पहुंचता है तो बोल्टर की मदद से पैन पर बनी उस कला का दीदार होता है जिसके बारे में कोई तस्लीम भी नहीं कर सकता था। कुछ इस तरह से तैयार हो जाती है तस्वीरें और देखने वाले कह उठते हैं, आखिर ये कौन चित्रकार है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होता ये वीडियो जब हमारे पास पहुंचा तो हमने किचन में रचे जा रहे इस कारनामे का सच जानने का आगाज किया। पड़ताल की शुरुआत में हमारा फोकस चंद सवालों पर रहा। हम ये जानना चाहते थे, आखिर क्या है इस वीडियो की हकीकत? क्या ये हाथ की सफाई है या ये किसी ट्रिक की कारगुजार? आखिर क्या है इस वीडियो का सच? हमारे सामने इस सवाल को सुलझाने की चुनौती थी, आखिर पैन पर पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? इस सवाल के जवाब के लिए हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया।
इंटरनेट पर हमें पैन पेंटिंग से जुड़े कई वीडियोस मिले। इन तस्वीरों में आग के जरिए कई तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। कोई पैन पर पेरिस का एफिल टावर रच रहा था, तो किसी वीडियो में गन पैन पर टाइगर की पेंटिंग बनाई जा रही थी। कहीं गर्म पैन पर नाजुक गुलाब उकेरा जा रहा था। जांच में पता चला कि डोसा पेंटिंग के नाम से वायरल हो रहा वीडियो दरअसल पैन केक आर्ट कहलाता है। 46 साल की जापानी शेफ केइसुके इनागाकी इसके माहिर हैं। इनागाकी जापान के जामा में मौजूद अपने रेस्टोरेंट में ग्राहकों को पैनकेक आर्ट परोसते हैं। अपनी तरह के अजूबे इस पैनकेक की खूब डिमांड है। शेफ इनागाकी के पैनकेक आर्ट बनाने के पीछे की एक दिलचस्प कहानी भी है। जापान में साल 2011 में फुकुशिमा एटॉमिक प्लांट में धमाका हुआ। परमाणु रिएक्टर से फैले रेडिएशन से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित कैंपों में भेजा गया। इनागाकी ने ऐसे ही कई कैंप्स का दौरा किया। इस त्रासदी के बाद इनागाकी ने पैनकेक आर्ट बनाने का फैसला किया। इनागाकी अपनी इस कला के जरिए बच्चों का सदमा दूर करना चाहते थे। उनकी कोशिश माँ और बच्चों के बीच रिश्तों को मजबूत करना था। इनागाकी के मुताबिक उन्होंने नॉर्थन शील्ड नाम के एक अमेरिकी को सबसे पहले पैन पर इस कलाकारी को करते देखा और उन्हें यही से आइडिया मिला। अब हमने अपनी पड़ताल का फोकस नॉर्थन शील्ड पर किया। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें मालूम हुआ कि नॉर्थन शील्ड पेशे से शेफ नहीं बल्कि मैथ्स टीचर हैं। नॉर्थन अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में रहते हैं। अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते वक्त एकाएक उनके सामने पैनकेक का ये नया अवतार सामने आया और तब से उन्होंने इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू किए। पैनकेक आर्ट कोई ट्रिक नहीं है। इसमें सामान्य पैनकेक बनाने वाले सामान का इस्तेमाल कर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल के जरिए मनचाही तस्वीर बनाई जाती है। हाँ, शेफ को इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो तस्वीर के जिस हिस्से को बोल्ड करना चाहता है उसे पैन पर पहले बनाए। इससे घोल पैन की गर्मी पाकर पक जाता है और उसका रंग भूरा हो जाता है। हमारी पड़ताल में साबित हुआ कि पैन केक आर्ट पेंटिंग की कोई कला नहीं बल्कि रसोई में इजाद की गई एक ट्रिक है। पैन को कैनवास की तरह इस्तेमाल करने की ये कला किसी रिसर्च का नतीजा नहीं है। टीम न्यूज नेशन। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsnation.in और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।